नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, केरला में एक माता पत्नी की हत्या कर दी गई है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही गलत कार्य है। जिसने भी ये किया वो गलत काम किया। लेकिन इस मुद्दे को उछालने के लिए मीडिया इसके पीछे पड़ी हुई है। कई सेलिब्रिटी, आम लोग सब सोशल मीडिया पे इसे इतना बड़ा मुद्दा बना चुके हैं कि सब अपनी डीपियाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब इसी मुद्दे को लेके भरे हुए हैं। हिंदुस्तान में आज से पहले भी कई हाथियों की मौत हो चुकी है और हाथी दांत के लिए हर साल कई हाथी मारे जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर भी बहुत सारे सेलिब्रिटियों ने, बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। सब ने अपनी अपनी राय दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिंदुस्तान में मानवता मर गई है, लोग बाग वहशी हो गए हैं, जानवरों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। जब ये उन जानवरों को मार के खाते हैं तब उन्हें दया नहीं आती, तब उन्हें अफसोस नहीं होता, तब भी तो एक जीव हत्या ही होती है। लेकिन भाई, आप जानवर जानवर में फ़र्क क्यों कर रहे हो? आप तो रोज़ उनको जानवरों को मार के खाते हो। पहले आप उन जानवरों को मार के खाना छोड़ो, तो पहले अपना लेदर का जैकेट, बेल्ट, पर्स, जूते ये सब इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब जानवरों के चमड़े से ही बनाए जाते हैं। गुरु जी खुद बैंगन खा रहे हैं और दूसरों को खाने से मना कर रहे हैं। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको गलत लग रहा हो, सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी राय यही है, पहले मैं खुद सुधरूँ। लेकिन जो लोग मांसाहारी है और इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर उसके बाद अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को इतना उछाल रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। रही बात केरला में जो हथनी के साथ हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस है। वो एक निंदनीय कार्य है, नहीं होना चाहिए था। उसकी जाँच पड़ताल चल रही है, किस वजह से क्या काम हुआ, प्रयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में अभी त्राही हुई है, कोरोना वायरस का प्रकोप सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ईश्वर से डरो, कुछ तो वक्त तो डरो। ईश्वर का प्रकोप आपने देख लिया, कोई आपकी दौलत, कोई आपकी शोहरत, कोई आपकी जान पहचान, कोई अप्रोच कुछ काम नहीं आ रही। जो जहाँ था वो वहीं रुक गया, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो। गरीब भी परेशान हुआ, पैसे वाला भी परेशान हुआ। कुदरत से आप डरिए, अपने आप के अंदर के जानवर को मारिए, शाकार की तरफ जाइए, शाकार अपनाइए। जय हिंद, नमस्कार। अगर मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।